इस ट्रिप का हम लोग को साल भर से इंतजार था, अब जाके वो ट्रिप प्लान हो गई है और हम लोग आ चुके हैं सुबेदारगंज। तो भाई लोग, हम लोग की जो है ट्रिप शुरू हो चुकी है। मेरे पास एक ये वाला बैग है और एक मेरी ये अटैची है। तो हम लोग भाई जा रहे हैं मसूरी, पहाड़ों की वादियों में पहाड़ों का आनंद लेने के लिए। और ये जो आदमी देख रहे हैं कोई और चीज़ का आनंद लेने के लिए जा रहा है। हरकतें शुरू हो गई हैं स्नैप वाली। 9:03 हो गए, कोई सूरत से जो है ट्रेन चल के नहीं दे रही है। भैया रफ्तार के साथ ट्रेन पकड़ ली है और इन लोग का एक्साइटमेंट के हमारे छुट्टी जा रही है। जो है ऑर्डर हो चुका है, अभी खाना आने वाला है। सबसे कम थाली हमने मंगाई है, सबसे ज्यादा खाना आ चुका है, खाली पहचान होनी बाकी कौन सा किसका है। फिलाई शुरू हो गई है। कैसा लग रहा है आधा घंटा की ट्रेन बस आने के बाद? ये इसकी थाली है, ये उसकी थाली है। चलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद ब्लॉक करते हैं। भाई लोग, अगर मैं आपको थाली का ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, मतलब 250 रुपये की थी, टेस्ट के मामले में तो भाई बढ़िया ही था, बढ़िया सब कुछ था। और अलग अलग चीज़ें थी, ये शाही पनीर थी, ये दाल थी, ये मटर पुलाव थी, ये रोटी थी, इसमें घी लगा हुआ था और ये गुलाब जामुन वगैरह ये सब था। तो मतलब भाई अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो 250 रुपये के हिसाब से ट्रेन में अगर आपको आपकी सीट पे आके IRCTC वाले डिलीवरी करके दे रहे हैं तो भाई सही है, वर्थ इट है, बढ़िया है। बाकी देखते हैं अभी और क्या क्या कर रहे हैं हमारे दोस्त लोग, जिन्हें भी निकल के यहाँ से दिखाते हैं। 2 मिनट का स्टॉपेज मिला है यहाँ पे। पानी की बोतल दे दीजिएगा भाई एक एक। रात के जो है 1:15 बज गए हैं, मतलब 1:15। और ये देखिए आधे लोग सो गए हैं और खाली यही बचा है जागता हुआ मेरे साथ। ऊपर दिखा दो, ऊपर ऊपर तो चीट हो गए सब। अरे ये लौंडिया बाट तो फोन चला रहे, ये जिंदा है। हाँ तो भाई लोग 5:30 जो है बज चुके हैं सुबह के, और खसीसियत जो है धीरे धीरे जाग रही है। तो खसीसियत जाग चुकी है आपके तके पे। दो हम पीछे उतार के दे, सो लो। अबे हम उतार के दे देंगे, तुम दोनों समान जाओगे। ढंग से जो है सुबह हो चुकी है, 2 4 लोग हमारे चाय पीते हुए ले लो। नहीं, नहीं लेंगे। और भाई मैं बताने जाऊंगा, मतलब सुबह सुबह इतनी बेकार चाय, वाह शानदार चाशनी जैसे डाल दी ने चीनी की जगह। चाय पीने के बाद गेट पे खड़े होके सारे हमारे बेकारी दोस्त मजा लेते हैं। मुरादाबाद जो है आ गए, अब चलिए नाश्ता उसका कुछ लिया जाए, नाश्ता ले लिया जाए, आपके मुंह में ना कुछ जाए। भाई मुरादाबाद से जो है नाश्ते का जुगाड़ हो चुका है, ये देखिए बेहतरीन एकदम। आप भी सैंडविच लाइए भाई। सैंडविच जो है उधर 2 टॉम आए खा लियो, तुम्हारा कहाँ है? बैग की तलाशी हो रही है, एक बार दिखा दीजिए। भूख लगी है किसको? भूख लगी है, भूख लगी है, निकालो निकालो खाना निकालो। झूठ बोल रहा है। वो बन गया है, क्या नाम है? खोवा लग रहा है। अरे भाई भाई फाइनली जो है ट्रेन अपनी अभी यहाँ आ चुकी है हरिद्वार, और मैं अपने पापा से अभी मिला यार 2 साल के बाद। मतलब मेरे पापा यहीं रहते हैं और मैं वहाँ रहता हूँ, पापा का काम वगैरह यहाँ पे है। तो अभी हम लोग जो है कुछ खाने के लिए देख रहे हैं। देखिए पहले एक जो है कोई लेके खा के देखो कैसा है, उसके बाद लेते हैं। इसी के साथ हम लोग अंगूर पेलते हुए और देहरादून के जो है नज़ारे लेते हुए, मतलब स्टार्टिंग हो गई है पहाड़ दिखने की। देहरादून जो है आने वाला है और हमारे सारे दोस्त जो है जानवर से इंसान में तब्दील होने की तैयारियां कर रहे हैं। हाथ मुंह धो रहे हैं, बाल झाड़ रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, वाइट टोन लगा रहे हैं। तो भाई हम लोग जो है फाइनली अभी देहरादून आ चुके हैं और बस पकड़ के जाने वाले हैं हम लोग मसूरी। तो भाई लोग एक्साइटमेंट कैसी है भाई? बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, वहाँ से बस पकड़ेंगे, पहुँचेंगे मसूरी। अब ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं डायरेक्ट बस स्टैंड पे। तो बस स्टैंड पे आ तो गए भाई, लेकिन यहाँ पे जो है शाम हो जाएगी खाली टिकट खरीदने में। देखिए आप लोग बड़ी बढ़ भी नहीं रही आगे, ऐसे लग रहे बढ़िया लग रहे हमें, थोड़ा रुक जाए नाक में नहीं डाल। फाइनली जो है मसूरी के लिए बस मिल चुकी है और बाकी हौली दो इधर बैठे हैं, एक सबसे आगे बैठे हैं। तो अभी जब पहाड़ों की वादियाँ शुरू होगी तभी खोलेंगे कैमरा, क्योंकि अभी जाम दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनली वादियाँ बिगिन हो चुकी है और ये मसूरियों की वादियों में
बहुत ही खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं, जब अभी दिखाया जाएगा आपको कैसा फील कर रहे हैं। वादी शुरू हो गई है, तो फट फट सी रही है, फट रही है, हंसने वाली है, आप हमें डर है इस बात का नहीं, ये तो आप पता करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है मसूरी की वादियों में? घर नहीं जाना, घर नहीं आना, यहाँ से वापस एकदम आ गए भाई मसूरी फाइनली। खुदा हाफिज। हाँ तो भाई लोग फाइनली जो है डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। कैसा लग रहा है आपको मसूरी में आके? इलाहाबाद के, इलाहाबाद के अकबरपुर गाँव, बहुत ही अच्छा फील हो। चलिए फटाफट जो है अभी चल कर रूम ढूंढ लेते हैं हम लोग। गुटका के ताजी हवा है भाई यहाँ पे। रूम जो है भाई ढूंढने की तलाश में भी पहले हम लोग रूम देखने जा रहे हैं भाई, लेके चल रहे हाथ फूल गए भाई, खड़ी चढ़ाना एकदम। चलिए देखते हैं कैसा है। फिर फाइनली हम लोग ने जो है रूम तो सेलेक्ट कर लिया है, अभी हम लोग स्कूटी रेंट पे लेने के लिए आए हैं। फटाफट देख लेते हैं यहाँ से। और एक दूसरी गाड़ी की वीडियो बना दो, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए भाई। अभी जो है हम लोगों ने ये वाली स्कूटी ले ली है यहाँ पे बेहतरीन, और भाई के पास जो है अपना अभी आधार कार्ड सबमिट कर दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ से जो है अपनी गाड़ी वगैरह लेके निकलेंगे टहलने घूमने के लिए। रूम ले लिया है तो अभी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में। तो हमने जो है जो रूम लिया है वो भी आपको दिखाते हैं। ये है हमारा व्यू और रूम दिखा देते हैं भाई आप लोग को पहले। मतलब सही है यार, एक नंबर का रूम है, एक नंबर। जाके जरा कूदिए इस पे एक जन, बहुत शानदार। क्या बढ़िया यार बेड, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। सोफा देखिए शुरू हो गए हैं, एक्साइटमेंट के मारे सबका गू निकलने वाला है अभी। हम तो तैयार होके बैठ चुके हैं बेहतरीन, और ये देखिए हमारे स्मार्टी स्मार्टी लोग जो है तैयार हो रहे हैं अभी। शानदार, जल्दी तैयार होइए तो खाना खाने चलना है जल्दी से। तो भाई अभी जो है सब लोग तैयार हो चुके हैं, फोटो वीडियो का थोड़ा बहुत सेशन हो रहा था, यहाँ पे सब देख सकते हैं जमा के एकदम हाजिर हो गए हैं। भोकाल टाइट कर रहे हैं इलाहाबाद की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई खाना वाना खाने, दोपहर से कुछ खाया नहीं, पैदल चल रहे हैं एकदम भूख के हमारे, हालत खराब है, ऐठन होने लगी भाई पेट में। तो भाई हम लोग वाट लगा देंगे मसूरी की। तो अभी जो है हम लोग मॉल रोड पे आ चुके हैं, देख सकते हैं भाई चहल पहल क्या ही शानदार है यहाँ की। व्हाट अ व्यू। तो यहाँ पे भाई हम लोगों ने जो है मोमोज ले लिया है चिकन वाला, बहुत ही बढ़िया। स्नैप कर लीजिए आप लोग पहले। भाई गलत गाड़ी डूब गई बहुत ज्यादा। और फोन चलाओ, ये फोन चलाने के चक्कर में हुआ है खाली। आपने अभी 30,000 नहीं है वो एमजी हेक्टर है, और ज्यादा है, नहीं एसयूवी है क्या, ज्यादा है। फाइनली जो है हम लोग को यहाँ पे बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद एक रेस्टोरेंट मिल गया है खाने के लिए, जहाँ मतलब वेज और नॉन वेज दोनों हो। तो अभी इंतजार करते हैं खाना आने का जल्दी से। खाना आ चुका है फाइनली, अब जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तो भाई खाना तो हो गया है, और ठंडी जो है बढ़ गई है मसूरी में रात में, मतलब जैसे जैसे यहाँ रात होती है ठंड बढ़ती जाती है, 5-5 डिग्री तक पहुँच जाएगा अप्रैल में वो भी। भाई ठंड अब बढ़ गई है, जल्दी से गाड़ी उठाओ पहुँचो रूम। भाई अभी जो है हम लोग फाइनली अपने रूम पे आ गए हैं। भाई अभी तो काफी थक गए क्योंकि ट्रेन का सफर रहा, दिन भर का ट्रैवलिंग वगैरह का रहा। तो अभी जो है ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, और कल का व्लॉग भाई न्यू व्लॉग में आ जाएगा। तो भाई मतलब अगर आप लोग को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर इसको लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मसूरी की और भी बहुत ही अच्छी अच्छी सीरीज आने वाली है, और हम लोगों ने कुछ प्रैंक्स भी सोचे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।